लड़ाख में भारत और चीन की सेनाओं मेजर जनरल स्तर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक योजाई छे। आ बैठक में सीमावर्ती विस्तारों मुद्दाओं ने लईने फरी एक बार चर्चा थई हती। पूर्व लड़ाख में 2020 बने देशों की सेनाओं वच्चे तनाव की स्थिति थी छे। भारत और चीन वच्चे चाली रहेला सैन्य गतिरोध नो उकेल लावा माटे मंगलवारे लडाखना दौलतबेक ओल्डी सेक्टर में मेजर जनरल स्तर की बातचीत थी छे। बैठक में बॉर्डर साथे जोड़ायेला मुद्दा पर चर्चा थई हती। गत महीने भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाली रहेला गतिरोध ने उकेलवा माटे पूर्व लडाख सेक्टर में कोर कमांड स्तर की वाटाघाटो करी हती। गतिरोध बाद थी आ 18मा तबक्कानी कोर कमांडर स्तर की बैठक हती। कोर कमांडर स्तर की बैठक में भारत डेलिगेशन नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रसीम बालीए कर्यु हतु, ज्यारे चीनना सेनाना समकक्ष रैंकना अधिकारीए पोताना डेलिगेशन नेतृत्व कर्यु हतु। आ बैठक एटला माटे महत्वनी हती कारण के ते शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संरक्षण मंत्रीओनी बैठक पहला ज योजाई हती। दिल्ली में एससीओ बैठक में चीनना संरक्षण मंत्री ली सांगकुए भाग लीधो हतो। बॉर्डर गतिरोध खत्म करवा माटे वाचित सिवाय बन्ने देश खुद ने मजबूत करवा माटे सीमावर्ती विस्तारों में मूलभूत माळखा ने झड़पथी विकसित पण करी रह्या छे। सूत्रोनुं मानीए तो मंगळवारे थयेली बैठक में बन्ने देशोए मुद्दाओं ने उकेलवामां पण सफळ रह्या हता, जे गत बैठक में उठावामां आव्या हता। सप्टेम्बर 2022 में बन्ने देशों की सेनाओं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 थी पोताना सैनिकों ने पाछा बोलाव्या बाद एलएसी पर तनाव में घटाड़ो जोवा मळ्यो हतो। सैनिकों की आ वापसी 17 जुलाई 2022 ना रोज थयेली कोर कमांडर स्तर की बैठक बाद थई हती। आ बैठक में ज बन्ने देशों पोतपोताना सैनिकों ने हटावानो निर्णय कर्यो हतो। एससीओनी बैठक दरमियान देशना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर साथे जोड़ायेला मुद्दाओं ने चीनना संरक्षण मंत्री ली सांगफू समक्ष उठाव्यो हतो। राजनाथ सिंह भारपूर्वक कह्यु हतु के हालना उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों ने खत्म करी दीधा छे। भारत अने चीनना संबंधों नो विकास सीमा पर शांति पर आधारित छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।